मैं गौरी राजौरिया, SKH न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ी ही शान शौकत के साथ मनाया गया ईद मिलादी उन्नवी का पर्व। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़े ही शान शौकत व हर्षोल्लास के साथ इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया गया। पर्व पर कुंडा, रानीगंज, पट्टी, लालगंज, सदर सहित जिले भर के विभिन्न बाजारों व गांवों में मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस निकालकर पैगंबर साहब को याद कर उनके नाम का कलाम पढ़ा। इसी के तहत क्षेत्र के हंडौर में भी ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में लोग शासन आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत शामिल हुए, जहां जुलूस की अगवानी करते हुए जामा मस्जिद के नुसरतुल्ला साहब, कारी नौसाद अहमद आदि ने क्षेत्र के चुड़ीहार पट्टी, फकीरौटी, शेखपुर डीही होते हुए सगरा सुंदरपुर तक गए और मोहम्मद साहब के संदेश को जनहित को साझा करते हुए उनके द्वारा बताए गए नेकी के रास्ते पर चलते हुए अमन एवं शांति का संदेश दिया। इस दौरान क्षेत्र के बहुत से अकीदतमंद एवं बच्चे तथा महिलाएं शामिल रहे। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तशरीफ ले आए और दुनिया इंसानियत को वो तो अजीम तोहफा दिया और हिंदू और मुस्लिम को एकता का पैगाम दिया। इसलिए हम लोग इस त्यौहार को खूब जश्न के साथ मनाते हैं। ये जो जुलूस आप निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जुलूस हंडौर जामा मस्जिद से निकल करके चुड़ियार पट्टी होते हुए जी ये शेखपुर तक जाएगा जी, और उसके बाद वहाँ से अख्ताम हो जाएगा जी, वहाँ से जुलूस का खात्मा हो जाएगा। और उसके बाद एक बात ये कहना चाहते हैं कि इसमें हमारे कौम के लोग जी इस संदेश को हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं जी, इसी दिन हमारे कौम के रहनुमा जी तशरीफ़ ले आए और उसके बाद दुनिया को वो पैगाम दिया और जीने का सही रास्ता दिखाया और लोगों को एकता का पैगाम दिया।